साथ हैवी फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा है. व्हाट डज द ग्राफ से? स्टॉक्स आर गोइंग अप, स्टॉक्स आर गोइंग डाउन. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in. टुडे 15 जुलाई 2019 मंडे है, सुबह के 8:26 हो रहे. नया वीक है, पहला दिन है इस हफ्ते का. तो निफ्टी में क्या आज इंट्राडे लेवल्स होंगे आने वाले इस वीक में, कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हो सके ये आइडेंटिफाई करेंगे. लेकिन उससे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू कर दें. यह एक पिक्चर है फ्राइडे का, यानी 12 जुलाई आफ्टर मार्केट आवर्स ये पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक यहाँ पर मिल जाएगी. तो फ्राइडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारा प्लान जो था वो वहाँ पर ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,614 और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 11,564. तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये 30 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है. शुरू में काफी इसने हमारे ब्रेकडाउन लेवल को काफी पेनेट्रेट किया, इसके नीचे क्लोज सस्टेन नहीं हो पाया और यहाँ से ही ये सपोर्ट लेके ऊपर नॉर्थ की तरफ मूव हुआ और हमारा ब्रेकआउट लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ और ऑलमोस्ट इसने हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव कर लिया था. हाई इसने 11,639 का लगाया और यहाँ से ये फिर से टर्न हुआ टुवर्ड साउथ की तरफ और ब्रेक डाउन लेवल इसने ब्रेक करने के बाद नीचे लो भी 11,538 का लगाया. ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट टारगेट भी यहाँ पर अचीव हुआ था ऑलमोस्ट. तो इस प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 30,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं. फ्राइडे को अमेरिकी बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली. डाउ जोन्स, नासडैक हरे निशान में बंद हुए. यूरोपियन बाजार देखे तो वहां पर मिला जुला कारोबार देखने को मिला और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्केई 42 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है. लेकिन हालांकि चाइना मार्केट और हांगकांग मार्केट में निगेटिवनेस देखने को मिल रहा है. डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी 18 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है और एसजीएक्स निफ्टी 28 पॉइंट के बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत आ रहे हैं. चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर. वीकली चार्ट से शुरू करेंगे. यह है निफ्टी का वीकली चार्ट. अगर आपने हमारे पास्ट वीडियोस फॉलो किए थे तो यहाँ पर हमने एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं. तो ये एक निगेटिव पैटर्न है, निगेटिव सिग्नल है. उसके बाद यहाँ पर ये बेयरिश कैंडलस्टिक भी फॉर्मेशन हुआ है और जैसे कि इस ट्रेंड लाइन को हमने ड्रॉ किया था, इस बॉटम्स को पकड़ कर, ये जो क्लोज के बॉटम है उसको पकड़ के हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था. तो इसका ये ब्रेकडाउन यहाँ पर मिला है लेकिन इसके तुरंत नीचे ये 20 ए में जो कि ये पिंक लाइन है इसका सपोर्ट आ रहा है. तो एग्जैक्ट कल यानी फ्राइडे को इसका वीकली क्लोज इस 20 ए में के पास था. 20 ए में अराउंड 11,557 के पास है और फ्राइडे को क्लोज मिला 11,552, यानी 20 ए में को ये रिस्पेक्ट कर रहा है. तो देखना ये होगा इस वीक में क्या ये लो, इस प्रीवियस वीक का लो ब्रेक करके और नीचे निफ्टी ये अपना डाउनवर्ड मूव एक्सटेंड करता है या फिर 20 एमए को रिस्पेक्ट दिखा के फिर से इसके ऊपर यहाँ से अप ट्रेंड के लिए यहाँ से मूव करता है. तो ये देखने वाली बात होगी. अभी वेट एंड वॉच का सिचुएशन है. यहाँ से लॉन्ग जाना भी रिस्की होगा और डाउन साइड जाना भी, जब तक ये इस लास्ट वीक के लो को ब्रेक नहीं करता तब तक यहाँ से शॉर्ट जाना भी काफी रिस्की साबित हो सकता है. ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिल गया है लेकिन 20 ईएमए का अभी सपोर्ट है. तो ये रिस्पेक्ट करता है या नहीं ये देखना होगा. ये है वीकली चार्ट का सिनेरियो. चलते हैं डेली चार्ट में. डेली चार्ट में अभी आप ये ट्रेंड लाइन को देख रहे हैं कैसे ये रिस्पेक्ट कर रहा है एज अ रेजिस्टेंस. हमने पास्ट में इसको देखा था कि ये सपोर्ट यहाँ पर ले रहा था वीकली चार्ट में. अभी यहाँ पर डेली चार्ट में ये ट्रेंड लाइन को जबरदस्त रिस्पेक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है. 1, 2, 3 ये चौथा दिन कंटिन्यूस 4 ट्रेडिंग सेशंस ये रेजिस्टेंस लाइन बन गया था, ट्रेंड लाइन. तो यहाँ पर
अभी ये ट्रेंड लाइन के अगर ऊपर ये क्लोज मिलता है तो ऊपर में रेजिस्टेंस होगा 11,695 जो कि ये ब्लू लाइन है, ये अराउंड 11,700 पकड़ लेते हैं इसके आसपास है और उसके तुरंत ऊपर 20 नदी है। तो अभी ये मूविंग एवरेजेस के बीच में फंसा हुआ है तो यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन है। इन मूविंग एवरेजेस के ऊपर या फिर नीचे चला जाता है तो हमें यहाँ से नेक्स्ट ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल सकता है। अगर मैं इसे 100 SMA यानी 100 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज में कन्वर्ट कर दूं तो आप देख सकते हैं नीचे 100 SMA का ये सपोर्ट बना हुआ है और ऊपर रेजिस्टेंस ये ट्रेंड लाइन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर पास्ट में हमने देखा था कि 100 SMA के पास इसने डबल बॉटम फॉर्मेशन बन के अपसाइड मूव दिखाया था, तो क्या अभी 100 SMA फिर से एक बार बाउंस बैक का कारण बनेगा या नहीं, ये आने वाला वक्त दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी कोई भी ओवरनाइट पोजीशन लेना काफी रिस्की साबित हो सकता है तो वेट करें। तो ये है डेली चार्ट और वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली आज के लिए इंट्राडे स्ट्रेटजी बनाते हैं। ये है 60 मिनट का चार्ट। अगर निफ्टी इंडेक्स ये जो फ्राइडे का लो बना है यहाँ पर ही इसने पास्ट में एक ट्वीजर टाइप का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनाया था तो 11,536 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे और तभी हमारा ये फर्स्ट टारगेट होगा, तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,520, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 11,485, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। अगर टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो फर्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा ये 20 EMA एज पर 60 मिनट का चार्ट। यहाँ पर ही पिवट पॉइंट का भी लेवल आ रहा है 11,576। तो इन दो लेवल्स को कंफर्टेबली क्रॉस करने दीजिए, यानी 11,583 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,600, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 11,615, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।